हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से क्या मतलब, दिन से खाने होने के बाद से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी 25 से 30 लोग के हिसाब से मैं बना रही हूँ इडली सांभर, क्योंकि मेरा 8 मंथ लग गया है, जैसे कि मैंने पहले पिछले वाले व्लॉग में आप लोग को बताया था। तो बेबी शावर होने के पहले, 8 दिन पहले, हमारे यहाँ एक और रिचुअल्स होता है, उसको बोलते हैं नील। अग्रवाल समाज मतलब अग्रवालों में पहनाई जाती है नील, नीली साड़ी, और कुछ नेंग गेंग होते हैं। तो मतलब हमारे परिवार की ताई जी वगैरह, बड़ी बड़ी लोग जो होते हैं वो सब करते हैं। तो उसी सब लोग आएंगे, वही मेरे परिवार के सब लोग। तो वही आज मैंने सोचा इडली सांभर बना लेती हूँ। ये है मतलब हैवी भी होता है, और साथ में क्या सब लोग आ जाते हैं तो फिर वो सेकने साकने वाला काम नहीं रहता ना। तो इसके साथ ऐसा रहता है कि बना के रख दो, सांभर गरम कर लो, तो बाद के लिए भी काम आता है। तो यहाँ पर मैंने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, नारियल की चटनी, इडली सांभर पहले ही बना कर रख लिया था दिन में 2-3 बजे तक, और 4 बजे से सब लोग आ जाएंगे। सो गाइस, कैसे क्या रिचुअल्स हुआ है मैं आप लोग के साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 26 मार्च और कल थी होली। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का दूसरा दिन है और मेरे यहाँ पर एक फंक्शन है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक्चुअली ये यहाँ पर नील बोलते हैं, 8 मंथ में नील पहनाई जाती है। तो नील में मतलब नीली कलर की साड़ी पहनना होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसकी गोद वगैरह भरी जाती है मीठे से। तो मेरे परिवार की मतलब जितने भी ताई जी हैं वगैरह, ताई जी भाभी वगैरह सब लोग आएंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45 हो गए हैं, 4 बजे तक स्टार्ट होगा रिचुअल्स। तो बस ये बैंगल्स वगैरह मैंने सब कुछ पहन लिए है, इयररिंग्स डाल ली है गोल्ड के, और बस रेडी हो गई हूँ। और घर पे नाश्ता भी बनाया है, इडली एंड सांभर, क्योंकि वो हेल्थ मतलब हैवी होता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ना हम लोग वहाँ पे बैठ जाएंगे तो फिर गरम वाला नाश्ते में कोई रहेगा नहीं। तो मुझे इडली सांभर बेस्ट लगा, मतलब वो बना के रख दो और सांभर गरम कर दो तो वो बढ़िया सा हो जाएगा। तो मैंने वो सब प्रिपेयर कर लिया है और बस थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और आगे का वीडियो कोशिश करूँगी लेने का, क्योंकि मैं तो बैठ जाऊँगी, किसी किसी से बोलूँगी कि आप लोग वीडियो बना लेना। तो चलिए मैं दिखाती हूँ साड़ी। कोरी साड़ी पहनना होता है आज, ब्लू कलर की। तो आज पहनाएंगे नील मेरे को, जब मेरी बेबी शावर होगी उसके एक दिन पहले। वो मतलब एक धागा होता है उसको पहनाया जाता है शायद, कुछ ऐसा कुछ होता है, मुझे भी अच्छे से नहीं पता। तो बेबी शावर के एक दिन पहले वो नील जो है जो पहनाई जाएगी वो उतारी जाएगी। तो 7 अप्रैल की है बेबी शावर, तो आज है 26 मार्च, तो आज मेरे को पहनाई जा रही है। आप में से कई लोग के यहाँ होता होगा शायद ये वाला रिचुअल्स, मुझे पता नहीं। हम लोग के अग्रवाल समाज में तो होता है ज़्यादातर, मतलब चंदिया में भी हुआ था मेरी भाभी के टाइम पे। तो वही यहाँ पर भी है मेरा, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं रेडी होंगी, आधे घंटे से, 2:45 हैं अभी, 3:45 तक रेडी होंगी, तो बस हो जाऊँगी। चलिए मैं साड़ी दिखा देती हूँ, कौन सी साड़ी वेयर करने वाली हूँ। सिंपल सी है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। कटनी से मंगवाई थी मैंने, अभी बुआ लोग गई थी शादी में खजुराहो दीदी के यहाँ, तो मेरे लिए लेकर आई थी। एक सादे में से जो साड़ी आती है, सादे बोलते हैं हमारे यहाँ, बेबी शावर जो होती है उसको सादे बोला जाता है। तो सादे के लिए जो मायके की साड़ी लगती है, तो वो साड़ी भी मेरी आ गई है, मैं अब उसी टाइम पर आपको दिखाऊँगी। तो उसके साथ मैंने बोल दिया था कि वहीं से ही आप लोग ब्लू एक साड़ी लगती है यहाँ पर लगेगी नील के दिन, तो वहीं से ही ले आना। तो वो साड़ी भी बुआ वहीं से ले आई थी, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए ये रखी हुई है, इसे मैंने पीको फॉल करा लिया है साड़ी में। ब्लू कलर की साड़ी पहनना होगा, नील पहनाई जाएगी। तो ये देखिए साड़ी, ये है सिंपल सी है, और इस तरीके से इसमें टैजल लगे हुए हैं। इसका ब्लाउज जो है प्रिंटेड है, ये टैजल लगे हुए हैं साइड साइड में पल्ले में। साड़ी सुंदर है और सिंपल एंड सोवर, बहुत प्यारी साड़ी मुझे लगी थी। तो वहीं से कटनी से मैं बोली थी आप लोग जाओगे तो वहीं से आ जाएगी जब साड़ी आना ही है। तो ये वाली वेयर्स करने वाली हूँ साड़ी। इसका ब्लाउज़ ये है, ब्लाउज़ इस तरीके से प्रिंटेड है और मैंने स्टिच सिंपल कराया है, कुछ भी नहीं इसमें, लेस दी हुई थी बॉर्डर। तो ये बॉर्डर स्लिप्स में डाल दिया है, 3-4 स्लिप्स करवाई है और सिंपल गले का बनवाया है।
और अभी मोटी हो गई हूँ तो थोड़ा सा ब्लाउज लूज ही चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा लूज ही करवाया है ताकि चले पहन पाऊँ, क्योंकि साड़ी की आदत नहीं है पहनने की और ना पहनना पड़ता है ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में तो पहनेंगे ही यार, तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ कराया था मैंने। तो कैसी लग रही है आप लोग को साड़ी? और ये भी मैचिंग का सेट बना लिया है, यह चूड़ी भी मैचिंग की मिल गई है तो ऐसे ही डाल लिया है मैंने। चलिए फिर रेडी होने के बाद मिलती हूँ, रेडी हो जाऊँगी तो फिर मैं आप लोग को अपना लुक दिखाऊँगी। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ और चलिए मैं आप लोग को अपना लुक दिखाती हूँ, मिरर में दिखा देती हूँ। अभी मेरी वीडियो शूट करने वाला एक्चुअली कोई है नहीं, तो अभी कोई आया नहीं है, बस मैं रेडी हो गई हूँ और जैसे रिचुअल्स स्टार्ट होंगे आप लोग के साथ शेयर करूँ। तैयारियाँ हो चुकी हैं गाइस, एक सोफ़ा हमने हटा दिया है क्योंकि काफ़ी लोग हो जाएंगे, 15-20। सो गाइस अभी कोई आया नहीं था तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरा पूरा मतलब इडली सांभर का मैंने और मम्मी ने मिलके कर लिया था, पूरा रेडी है सब कुछ, बस आने का वेट है, लोग आ जाएं तो फिर रिचुअल्स स्टार्ट होगा। तो यहीं पे मैं बैठे बैठे मैंने वीडियो शूट किया था आप लोगों के लिए। सो गाइस ये भी थे घर में, आ गए थे शोरूम से, और वैसे भी अभी होली है तो उस टाइम पे सब काम वाम अभी बंद ही सा है, मतलब वर्कर वगैरह आ नहीं रहे, तो ये भी घर पे ही थे, तो मैंने इनसे बोला कि वीडियो शूट कर दो, तो वही बोल रहे थे अच्छी गोल मटोल दिख रही हो, तो मैं बोली हाँ इतना बड़ा फेस हो गया मेरा। और अभी साढ़े पाँच हो गए हैं, अभी तो कोई नहीं आया, कोई आया नहीं था, 5 बजे के लगभग फिर सब लोग आ गए थे, तो बस यहाँ पर एक आध गाने वगैरह हुए और मेरे महावर लगाया गया, टीका लगाया गया, तो बस यहाँ पर महावर लग रहा है मुझे। और अभी धीरे धीरे करके सब लोग आते जा रहे हैं, तो ये हैं ताई जी, ताई जी जो है मुझे टीका लगाएंगी, पूरा टीका जो लगता है एक सिर में, मतलब पहले हल्दी से फिर उसके ऊपर रेड वाले कुमकुम से, तो पहले मुझे लगा तो फिर ताई जी ने बोला लाओ सबको लगा दूंगी, तो फिर सब जितने भी मेंबर आए हुए हैं तो सबको लगेगा। तो ये था, मैं अभी आप लोग के साथ वीडियो और आगे एक शेयर करूँगी, तो बस इसी तरीके से ये रिचुअल्स आगे का जो है आप लोग के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं म्यूज़िक डाल देती हूँ तो आप लोग इंजॉय करिएगा। अरे आओ तो गाइज़ ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो बस यहाँ पर रिचुअल्स स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पर ये देखिए छोटी सी गुड़िया, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक बेबी शावर का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया था ना अपने चैनल पर, तो उन्हीं की बेटी है भाभी की। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।